हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे ही कल आपने ITGM 2024 का स्कोर देखा, उसके बाद में फ्रेंड्स आपके भी दिमाग में यही चल रहा है कि हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, कौन सी काउंसलिंग करनी है, एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपके दो टाइप के ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी। एक तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत कम है, जिनको लग रहा है कि कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा। एक वो स्टूडेंट जो कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले हैं, चाहे उनका स्कोर मीडियम हो या बहुत अच्छा हो। तो दो टाइप के स्टूडेंट है। तो जिन स्टूडेंट का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा, उनको बहुत सारे एग्जाम है, उनका प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं IIT NIT में जिनके अंदर आप बिना जेम स्कोर के भी एडमिशन ले सकते हैं, उनका सेपरेट इंटरव्यू या टेस्ट देकर, जिसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप प्लीज वॉच कर लीजिए। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट इस बार IITGM 2024 को क्वालिफाई कर रहे हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। कट ऑफ आपकी आज शाम तक या कल 22 मार्च को श्योर आ जाएगी। तो जिन स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है, जिनका रैंक अच्छा है, उन स्टूडेंट को क्या करना है, उनको IISc या IIT में उनको अप्लाई करना है, IITGM काउंसलिंग उनको पार्टिसिपेट करनी होगी, ठीक है। और आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, IIT के लिए काउंसलिंग अलग होगा, NIT, IIIT और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग एक होगा, जो अलग होगा CCMN काउंसलिंग। अगर आप IISc में या आइजर या नाइजर में या JNCSR में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका काउंसलिंग अलग अलग होगा, सेपरेट उनकी वेबसाइट पे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमारा IITGM का काउंसलिंग है वो कब होगा, कैसे होगा। IITGM काउंसलिंग है वो स्टूडेंट आपका 10th अप्रैल से, टेंटेटिव डेट है 10th अप्रैल से स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे ही काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, तो आपको एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है। आप कौन कौन से कोर्सेस में, कौन कौन सी IIT में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एक प्रिफरेंस ऑर्डर आपको फिलअप करना होता है। उस प्रिफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी, जिसका बहुत ज्यादा जो है वेटेज होता है आपके सीट अलॉटमेंट में, काफी मायने रखता है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा आपके प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर। प्रेफरेंस ऑर्डर के हर सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो लास्ट ईयर के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप जिन भी IITs में आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, MSc हो या जॉइंट PhD हो या इंटीग्रेटेड PhD हो या MSc टेक हो आपका या MSc MTech हो, उनके लिए आपको जेम काउंसलिंग करना होगा, जो कहां पर होगा, IITGM का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं जो जॉब्स पोर्टल है, वहीं पर आपका IITGM काउंसलिंग होगा, ठीक है। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में कि किस रैंक तक के बच्चों को किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में IITGM काउंसलिंग करना है, और किस रैंक उससे अगर कम रैंक है तो उनको फिर CCMN काउंसलिंग करना होगा। अब जिन स्टूडेंट का स्कोर केवल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि हमें IIT नहीं मिलेगा, तो उन स्टूडेंट को क्या करना है, उनको CCMN काउंसलिंग करना होगा। अब CCMN काउंसलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होता है सेंट्रलाइज, NIT के लिए, IIIT के लिए और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट कौन से, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट है, स्लाइड पंजाब है, IST सिपूर है, डाइट पुणे है, और NIT सारे इंक्लूड है, और IIT भोपाल इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट CCMN काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपको IIT नहीं मिल रही है, तो फिर आपको CCMN काउंसलिंग करनी होगी, और आप चाहे तो दोनों काउंसलिंग भी कर सकते हैं, IIT का भी कर सकते हैं, NIT का भी कर सकते हैं। अगर दोनों जगह कॉलेज मिल जाएगी तो एक को छोड़ सकते हैं, आपका सीट बुकिंग फीस रिफंड हो जाएगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। CCMN काउंसलिंग लगभग अपना मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, जिसका इन्फॉर्मेशन अभी आया नहीं है, आने वाला है, पोर्टल भी अभी लॉन्च हुआ नहीं है। CCMN काउंसलिंग में ये इंस्टीट्यूट आपको मिलने वाले हैं। CCMN काउंसलिंग में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, अलग अलग प्रोग्राम का, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसको लेकर स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसका भी हम सेपरेट डिटेल से वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको डिग्री मैपिंग करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है, और BSc में परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है, जनरल EWS OBC के लिए 60% चाहिए, और जो SC ST के स्टूडेंट है उनको 55% चाहिए, जबकि IIT में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन NIT में ये रूल है, ये बरकरार है, ये परसेंटेज का भी इसमें इश्यू होता है कुछ स्टूडेंट को। हालांकि आप हमारे गाइडेंस में अगर काउंसलिंग करेंगे और आपके 1-2% कम भी है, मैथ्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, अगर उनके 60 नहीं बन रहे हैं या फिर SC ST वालों का 55 नहीं बन रहा है, तो उनका भी एडमिशन हो सकता है। इसके साथ स्टूडेंट CCMN काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, एक तो रेगुलर राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को बोलते हैं रेगुलर राउंड फेज फर्स्ट, सेकंड फेज में 2 राउंड होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ जिसको बोलते हैं स्पेशल राउंड, और थर्ड फेज में केवल 1 राउंड होता है, 6th राउंड, उसको बोलते हैं NSR राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड। उसके बाद भी अगर कुछ सीट खाली होती है, तो फिर NIT अपने लेवल पे उनका स्पोर्ट राउंड निकाल के सीटों को फिलअप करते हैं। तो जिन स्टूडेंट का JM का एग्जाम नहीं निकला, वो भी स्टूडेंट जो है खाली सीटों पर स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका CCMN काउंसलिंग होने वाला है, जिसकी डिटेल्स हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे प्रॉपरली सेपरेट। ये केवल आपको अवेयर करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए था वीडियो।
इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपका आइजर में लेने का मन है, आइजर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप आइजर के लिए अलग अलग वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। आइजर पुणे के लिए एडमिशन फॉर्म अभी ओपन हो गए हैं, कोलकाता के लिए ओपन हो गए हैं, आइजर भोपाल सीसीएमएन काउंसलिंग से मिलेगा, और आपका जो तिरुवनंतपुरम है, ब्रह्मपुर है, तिरुपति है, इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने वाले हैं, बहुत जल्द स्टूडेंट्स आपके लिए आ जाएंगे और हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप JNCSR में, IISc में लेना चाहते हैं या अदर किसी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं, तो उनका उनकी वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना होगा। बाकी आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, कम्युनिटी पोस्ट आप चेक करते रहिए। इसके साथ ही हर एक क्विक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखे। हम यार आपके लिए इतना मेहनत करें, आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू नॉन स्टॉप हम कितने हावर सेशन लेते हैं। शायद ऐसा कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पर एक व्यक्ति कंटिन्यू इतना लॉन्ग टाइम सेशन को होस्ट कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक इंफॉर्मेशन आपको क्विकली आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। और जिन स्टूडेंट का अभी स्कोर कम है, जिनका लग रहा है कि कट ऑफ क्वालिफाई हो गया नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स आप कल तक आप वेट कीजिए, कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ आने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा। अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगा, आपका कोई भी कैटेगरी हो। अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट हो या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या NIT हो लोअर, वो आपको श्योर मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा उसको। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे कि आप 2025 का कोर्स ले लो, आप फिर से JM की तैयारी करो। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो देखो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। अगर आपको अच्छी रैंक अचीव करना है और आपको अच्छे ड्रीम IIT में जाना है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को आगे CSE या NET या GATE की प्रिपरेशन करनी है, मुझे केवल एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आप अपना एक साल जो है आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स, आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा, मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर दो इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।